राम भक्तों के लिए सोमवार का दिन दिवाली लेकर आया है। सोमवार को अयोध्या में सभी के रामलला विराजमान हुए। अयोध्या में एक भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी आनंदोत्सव के चलते नागपुर शहर के दक्षिणामूर्ति चौक पर अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। भव्य बनी ये प्रतिकृति और वहाँ का वातावरण अयोध्या की याद दिलाते हैं। 22 जनवरी का इंतजार दुनिया भर के राम भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। अयोध्या की राम जन्मभूमि पर रामलला को विराजमान कर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाना है। ऐसे में देश भर में अभी से दिवाली सा माहौल है। देश के इस त्यौहार के लिए राम नगरी अयोध्या के साथ साथ नागपुर के दक्षिणामूर्ति चौक पर अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है और सभी तरफ रोशनाई और संगीतमय वातावरण दिखाई दे रहा है। प्रतिकृति बनाने की संकल्पना यहाँ से आई कि जब आह्वान किया गया कि आपकी बस्ती, आपकी अयोध्या, आपके बस्ती का मंदिर, आपका राम मंदिर, यहाँ कहने के बाद, ये आह्वान होने के बाद हमने तय किया कि उसी की रिप्लिका यहाँ पर हो, ताकि लोगों को वो सेटिस्फेक्शन मिले, वो समाधान मिले जो वहाँ जाके मिलने वाला था। उसी की प्रतिकृति हमने, हमारी जो जगह है, जगह की लिमिटेशन, जो आर्थिक लिमिटेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी रिप्लिका बनाने का प्रयास यहाँ पर किया है। दर्शन के लिए व्यवस्था जिस डायस के ऊपर हम खड़े हैं, वहाँ पर कल तक राम कथा थी, तो वहाँ पर रामायण का ग्रंथ भी था, तो इसीलिए हमने कहा था कि भाई आस्था का ध्यान रखते हुए इस जो चौथरा बना है उसके ऊपर ना आए कोई, नीचे से ही उसको प्रणाम करे, वंदन करे, जो भी करना है, उससे अनुशासन भी बना रहेगा, उसका पवित्र भी बना रहेगा, यह सोच के हमने दर्शन की व्यवस्था नीचे से ही की थी।